द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को आप खोलिए, ये 9x² - 6b² x - a पे पावर 4 और ये +b पे पावर 4। अब देखिए कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, तो आपको मिलेगा ये टर्म और ये टर्म अगर मिलाए तो कुछ आइडेंटिटी डेवलप की जा सकती है। इसको हम लिख सकते हैं 3x² कुछ इस तरीके से, और इसको हम लिख सकते हैं 2x² अब देखिए इसे अगर हम मैं a ले लूं, इसे b ले लूं, a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर और फिर प्लस 2ab अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो 2ab यहां पर है लेकिन माइनस में है, -2ab। तो ये जो आइडेंटिटी डेवलप करेगा वो a माइनस बी पे होल स्क्वायर की। इसको देखिए आप लिख सकते हो 2ab, तो a के लिए मैंने बोला 3x लो, b के लिए b² तो ये a² + b² - 2ab बना कि नहीं बना, बन गया। तो ये तीनों चीजें मिलकर के a माइनस बी पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना देंगे और इसको आप इसी फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के लिखे जा सकते हैं 3x - b² / 2ab। अब ये a² ये +b² ये -2ab, पता है ना ये आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है, a - b² की, a² + b² - 2ab होती है ना। तो यहां पे a² + b² और ये -2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूरा a और b मैंने बोला b स्क्वायर को, हो गया खत्म। अब इसको मैं लिखूंगा ऐसे a² / whole² अब यहां पे एक और आइडेंटिटी मिल जा रही है, ये पूरा a² ये पूरा b, तो ये b² तो a² - b² की आइडेंटिटी लगाइए यहां, और a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b एक ब्रैकेट्स में और दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो यहां पे ये आइडेंटिटी लग गई अपनी, तो ये हो जाएगा 3x - b². अब ये एक बार माइनस में डील होगा, -a² और एक बार प्लस में डील होगा, तो 3x - b² और +a² यहां एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस और प्लस, तो ये हो गया आपके दो फैक्टर, एक ये फैक्टर हो गया एक ये फैक्टर हो गया। अब यहां से x निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यहां से अपना जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, a² + b² और 3x था तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, हो गया। तो x की वैल्यू ये फैक्टर दे दिया, ये भी फैक्टर x की वैल्यू दे देगा, ये क्या देगा, तो ये x इक्वल टू देगा, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ऐसे लिखिए b² - a² / 3। और इसे और डेवलप करना है तो आप लिख सकते हैं b - a, यही आइडेंटिटी रिपीट कर दीजिए, b - a b + a whole upon 3। इस तरीके से x की एक ये वैल्यू हो गई एक ये वैल्यू हो गई, दो वैल्यू आ गई। इसको मैंने सिर्फ जीरो के इक्वेट किया है और इन दोनों टर्म्स को जीरो के उधर और 3x को इधर रोका, फिर 3 को भी भेज दिया और कुछ चीजें नहीं हुई है।